दोस्तों, अगर आप भी IPL को क्रिकेट जगत की सबसे बेहतरीन लीग मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, अब IPL का अंतिम मुकाबला 15 अक्टूबर को खेला जाना है, जिसमें कोलकाता और चेन्नई की टीम आपस में भिड़ती हुई नजर आएगी। ये दोनों ही टीमें इस दूसरे चरण में इतना शानदार खेल का प्रदर्शन करके दिखा इन्होंने, जिसके बाद तो ये कह पाना मुश्किल होता जा रहा है कि आखिरकार इन दोनों टीमों में कौन सी टीम IPL का खिताब जीतकर अपने नाम करेगी। हाल ही में कई भारतीय दिग्गजों ने अपने बयान में यह साफ तौर पर बता दिया है कि इस साल कौन सी टीम IPL का खिताब जीतने में कामयाब रहेगी। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं भारतीय दिग्गजों के बयान के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि कोलकाता और चेन्नई में कौन है बेहतरीन टीम, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, 15 अक्टूबर को IPL 2021 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स आपस में भिड़ती हुई नजर आएंगी। और ये दोनों ही टीमों ने इस साल बेहद ही लाजवाब खेल का प्रदर्शन करके दिखाया। जहां चेन्नई की टीम ने शुरुआत से ही शानदार खेल का प्रदर्शन किया है, वहीं कोलकाता की टीम ने दूसरे चरण में इतनी जबरदस्त वापसी करी, जिसके बाद IPL के फाइनल मुकाबले में अपनी जगह पक्की करने में कामयाब रही। दोस्तों, आपको बता दें कि IPL के फाइनल मुकाबले से पहले पूर्व दिग्गज खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने अपने बयान में कहा है कि ये दोनों ही टीमें बड़ी ही जबरदस्त टीमें हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम शुरुआत से ही लगातार शानदार खेल का प्रदर्शन कर रही है, वहीं कोलकाता की टीम ने तो जिस तरीके से दूसरे चरण में वापसी करी है, उसे देखकर तो कोलकाता की टीम को सलाम करना चाहेंगे। कोलकाता ने मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसी टीमों को धूल चटाकर एक बात तो साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि इस साल वो IPL का खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है। लेकिन उनके सामने ये बहुत ही बड़ी बाधा रही है कि वो महेंद्र सिंह धोनी, जो कि अपने शानदार प्रदर्शन और कप्तानी से कभी भी मुकाबले का रुख पलट सकते हैं, इसीलिए वो तो महेंद्र सिंह धोनी के साथ जाना चाहेंगे और उन्हें पूरा विश्वास है कि इस साल चेन्नई की टीम IPL ट्रॉफी उठाएगी। इसके बाद दोस्तों, गौतम गंभीर, जो कि पहले कोलकाता की टीम की कप्तानी कर चुके हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा कि उन्हें मालूम था कि इस साल कोलकाता की टीम IPL के फाइनल मुकाबले में अपनी जगह पक्की करने में कामयाब रहेगी और कोलकाता की टीम पूरी तरीके से उनकी उम्मीदों पर खरी उतरती हुई नजर आई है। ये मानते हैं कि चेन्नई की टीम मजबूत है, लेकिन कोलकाता की टीम को भी कम नहीं आंकना चाहिए। इसीलिए अगर उनके अनुसार पूछा जाए तो उन्हें लगता है कि कोलकाता का पलड़ा भारी है मौजूदा समय में, इसीलिए इस साल का IPL का खिताब कोलकाता के नाम रहेगा। इसके बाद दोस्तों, सुनील गावस्कर ने भी अपने बयान में साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि वो इस फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिस टीम में महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी मौजूद होंगे तो वो मान ही नहीं सकते हैं कि वो टीम फाइनल मुकाबले में हारेगी। ऐसा लगता है कि ये IPL महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी IPL होगा, इसलिए वो अपने आखिरी IPL मुकाबले में जीत के साथ अलविदा लेना चाहेंगे और अपने सभी साथी खिलाड़ी और प्रशंसकों को तोहफे में IPL की ट्रॉफी गिफ्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों, भारतीय दिग्गजों के बयान के अनुसार आप सभी को क्या लगता है कि जब कोलकाता की टीम और चेन्नई की टीम आपस में भिड़ती हुई नजर आएंगी तो कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतकर IPL का खिताब अपने नाम करेगी? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।